प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आप शिरा जी श्यामा जी की अपार मेहर से परम धाम के 25 पक्षियों की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परमहंस महाराज श्री जी जोहरदास महाराज जी लिखे, इन वृत्ति में परम धाम की शोभा का बेहद ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसी क्रम में शोभा देख रहे हैं रंग महल की चांदनी की, आगे बढ़ती है पेज नंबर 79, एक मंदिर का छज्जा, पेज नंबर 79 और पैराग्राफ है एक मंदिर का छज्जा। इन पैराग्राफ के माध्यम से दसवीं चांदनी पर घेर कर जो छज्जे की शोभा आई है, उन छज्जे की शोभा का सुंदर वर्णन हुआ है। मंदिर की जमीन से लगता हुआ बाहरी तरफ एक मंदिर का चौड़ा और 5,990 मंदिर का लंबा पूर्व के 10 मंदिर के छज्जे को छोड़कर 200 पैर का छज्जा आया है। पूर्व में देख चुके हैं कि रंग महल 201 हाँसों में शोभायमान है। दरवाजे का जो हाँस 10 मंदिर का आया है, इन्हें छोड़ देवे तो मंदिरों के बाहर की तरफ बाहरी हर मंदिरों के स्थान पर जो दहलान आई है, उनके बाहरी तरफ एक मंदिर का तो चौड़ा और 5,990 मंदिर का लंबा। छज्जा आया है 200 पहलों में शोभायमान। दस मंदिर के हांस को छोड़कर घेर कर एक मंदिर का चौड़ा और 5,990 मंदिर का लंबा छज्जा शोभायमान है। ये छज्जा नवी भोग के छज्जे के थंभों पर बना है। ये जो छज्जा है दसवीं चांदनी पर, ये जो छज्जे की शोभा हुई, पूर्व में शोभा देख चुके हैं कि रंग महल की जो नवी भूमि है उनमें एक मंदिर का छज्जा हुआ। छज्जे की बाहरी किनार पर थंभों की शोभा हुई, उन्हीं थंभों के ऊपर, उन्हीं थंभों की छत पर दसवीं चांदनी पर इन छज्जे की शोभा हुई। ये छज्जा नवी भूमि के थंभों पर बना है। इस छज्जे के ऊपर 201 गुर्ज हाँसों के पहल में दो मंदिर के साथ लगकर आए हैं। इन छज्जे की शोभा विस्तार से महाराज शिव जी बता रहे हैं कि छज्जे के ऊपर जो 201 गुर्ज आए हैं वो इन दो मंदिरों के साथ लगते हुए आए हैं। प्रथम भूम से इसी तरह से शोभा आ रही है कि गुर्ज जो 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं, हांस के कोने पर दोनों तरफ के मंदिरों से 33-33 हाथ लेके गुर्ज की शोभा हुई। उन्हीं शोभा को महाराष्ट्र जी कह रहे हैं कि इन छज्जे के ऊपर 201 गुर्ज हांसों के पहल में दो मंदिर के साथ लगकर आए हैं। इन छज्जे के बाहरी किनार पर चारों तरफ घेर कर कठेड़ा आया है। इन छज्जे के बाहरी किनार पर घेर कर कठेड़ा आया है। सुंदर रत्नों से, नगों से जगमगाता कठेड़ा, फूलों से सुसज्जित, अति सुंदर शोभा लिए ये कठेड़ा, परंतु 10 मंदिर के हांस के सामने ये कठेड़ा नहीं आया है। 10 मंदिर के छज्जे के बताए बाएं जो 2 मंदिर की जगह है, उसकी एक मंदिर की जगह में आकर मिला है।
छज्जे के किनार पर कटड़ा आया है, परंतु 10 मंदिर के हांस में देखते हैं कि यह कटेड़ा नहीं आया, क्योंकि ये छज्जा जो पूर्व में 10 मंदिर के हांस में 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा बड़ा छज्जा आया है, उनके साथ आकर मिल गया है। इस तरह से ये शोभा हुई 1 मंदिर का छज्जा। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं जो मंदिर है उनके मंदिरों की बाहरी तरफ ये देखिए 1 मंदिर का छज्जा और छज्जे के किनार पर कठेड़े की शोभा। इन नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं चांदनी पर मंदिर जो दहलान रूप में आए हैं, इनके बाहर की ओर 1 मंदिर का चौड़ा छज्जा, ये छज्जा नवी भूमि के थंबों के ऊपर आया है। नवी भूमिका में जो 1 मंदिर का छज्जा घूमा था जिनके किनार पर थंब आए थे, इन्हीं थंबों की छत पर 10वीं चांदनी का ये छज्जा हुआ। एक मंदिर का छज्जा पूर्व के 10 मंदिर के हांस को छोड़कर ये छज्जा 5,990 हांसों में घूमा है। छज्जे की बाहरी किनार पर कठेड़ा आया है और ये छज्जा 10 मंदिर के हांस में आकर मिल गया है। नवी भूम के छज्जा उनकी किनार पर थम, उनकी छत पर 10वीं चांदनी के छज्जे की शोभा। चांदनी पर छज्जे की शोभा। इस शोभा को महाराष्ट्र जी के शब्दों में 1 मंदिर का छज्जा मंदिर की जमीन से लगता हुआ बाहरी तरफ 1 मंदिर का चौड़ा 5,990 मंदिर का लंबा पूर्व के 10 मंदिर के छज्जे को छोड़कर 200 पहल का छज्जा आया है। ये छज्जा नवी भूम के थंबों पर बना है। इस छज्जे के ऊपर 201 उच्च हांसों के पहलों में 2-2 मंदिर के साथ लगकर आए हैं। इस छज्जे की बाहरी किनार पर चारों तरफ घेर कर कठेड़ा आया है, परंतु 10 मंदिर के हांस के सामने ये कठेड़ा नहीं आया। 10 मंदिर के छज्जे के दाएं बाएं जो 2-2 मंदिर की जगह है उसकी 1 मंदिर की जगह में आकर मिला है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आगे शोभा है 1 मंदिर का बयान नेक्स्ट वीडियो में। और परमहंस महाराज जी की वृत्ति से 10वीं चांदनी की जो शोभा देख रही है उनका संकलन एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।